अभी आप इकोसिस्टम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक डाउनलोड का बटन है। यदि आप इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यह क्यूआर कोड डाउनलोड हो जाता है, जिसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। इकोसिस्टम में यह क्यूआर कोड कहाँ पर दिखाई देगा और यह क्यूआर कोड किस तरह का है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। इस क्यूआर कोड के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोसिस्टम का अफिलिएट लिंक है, जिसे आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और उसके नीचे इस अफिलिएट लिंक का ट्रिम किया हुआ यानी शॉर्ट किया हुआ लिंक है और इस लिंक को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यानी ये दोनों लिंक आपके इकोसिस्टम का अफिलिएट लिंक है। दोनों में फर्क बस इतना है कि यह लिंक ट्रिम किया हुआ है यानी यह लिंक छोटा किया हुआ है और यह लिंक आपके इकोसिस्टम का ओरिजिनल अफिलिएट लिंक है। दोनों ही लिंक को या दोनों में से किसी एक लिंक को जब आप कॉपी करके किसी को शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद जब कोई उस लिंक पर क्लिक करेगा तो वह सीधा इकोसिस्टम के रजिस्टर पेज पर चला जाएगा, जहां से वह अपना इकोसिस्टम में अकाउंट क्रिएट कर सकता है, इकोसिस्टम में अपना आईडी क्रिएट कर सकता है। यानी यहाँ पर जो आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है वह क्यूआर कोड इसी अफिलिएट लिंक का है और उसके नीचे में इस अफिलिएट लिंक का यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ लिंक है, ट्रिम किया हुआ लिंक है। यानी यह माई अफिलिएट लिंक, ट्रिम यूआरएल, स्कैन क्यूआर कोड तीनों आपके इकोसिस्टम के अफिलिएट लिंक से जुड़ा हुआ है। मतलब जब कोई इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो वह सीधा आपके अफिलिएट लिंक के द्वारा इकोसिस्टम के रजिस्ट्रेशन पेज पर चला जाएगा। वहीं जब आप किसी को यह ट्रिम यूआरएल वाला लिंक शेयर करेंगे तो वह भी इकोसिस्टम के रजिस्ट्रेशन पेज पर चला जाएगा आपके अफिलिएट लिंक के द्वारा। और यहाँ पर आपका अफिलिएट लिंक है, इस लिंक को भी यदि आप यहाँ से कॉपी करके शेयर करते हैं तो जब कोई इस लिंक पर क्लिक करेगा तो वह आपके अफिलिएट लिंक के द्वारा इकोसिस्टम के रजिस्ट्रेशन पेज पर चला जाएगा। इस तरह से आप अपने अफिलिएट लिंक को तीन तरीके से शेयर कर सकते हैं। एक हो गया क्यूआर कोड को डाउनलोड कीजिए और उसे शेयर कीजिए, दूसरा हो गया कि आप अपना अफिलिएट लिंक को शेयर कीजिए और तीसरा है कि आप अपने अफिलिएट लिंक का ट्रिम किया हुआ लिंक को शेयर कीजिए, यानी आपका अफिलिएट लिंक का शॉर्ट लिंक शेयर कीजिए। आप इन तीनों में से अपनी सुविधा के अनुसार किसी को भी शेयर कर सकते हैं। पहले इस तरह का क्यूआर कोड बनाने के लिए हमें ओ ट्रिम में जाना होता था और ओ ट्रिम में जाने के बाद यहाँ पर अपना अफिलिएट लिंक पेस्ट करना होता था और यहाँ ट्रिम लिंक वाले बटन पर क्लिक करके हमें अपने इकोसिस्टम के अफिलिएट लिंक को ट्रिम करना होता था, हमें अपने इकोसिस्टम के अफिलिएट लिंक को शॉर्ट करना होता था और लिंक शॉर्ट करने के बाद क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें इस क्यूआर कोड को डाउनलोड करना होता था। लेकिन अब आपको यह सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आपके अफिलिएट लिंक का क्यूआर कोड इकोसिस्टम में ही डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। अब आपको अपने अफिलिएट लिंक को ओ ट्रिम में जा कर के शॉर्ट नहीं करना है, आपका अफिलिएट लिंक आपके इकोसिस्टम में ऑटोमेटिक शॉर्ट किया हुआ मिल जाएगा और उसका क्यूआर कोड भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस क्यूआर कोड को डाउनलोड करने के लिए या फिर उस लिंक को कॉपी करने के लिए आपको सबसे पहले अपने इकोसिस्टम में लॉगिन हो जाना है और लॉगिन होने के बाद आपको अपने इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर आ जाना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ पर माई लिंक का ऑप्शन मिलेगा, बस आपको माई लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस माई लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने माई लिंक का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर ऊपर में आपको तीन तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें एक ऑप्शन है ऑन पैसिव लिंक का, दूसरा ऑप्शन है प्रमोशनल वीडियो लिंक का और तीसरा ऑप्शन है अफिलिएट लिंक। डिफ़ॉल्ट में ऑन पैसिव लिंक पर क्लिक रहता है और ऑन पैसिव लिंक वाले ऑप्शन में आपको कई सारा लिंक नज़र आएगा और इस लिंक को जब आप कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो आप ऑन पैसिव के वेबसाइट पर चले जाएंगे, जो ऑन पैसिव वेबसाइट का पुराना थीम है। यानी यह सभी लिंक ऑन पैसिव वेबसाइट का पुराना थीम है, पुराना टेम्पलेट है। वहीं जब आप दूसरे ऑप्शन प्रमोशनल वीडियो लिंक वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रमोशनल वीडियो का लिंक दिया गया है। जब आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके किसी इंटरनेट ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो वह कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जहाँ पर एक वीडियो प्ले होगा और उसके नीचे में ज्वाइन यूज का बटन रहेगा जिस On पर passive जब कोई क्लिक करेगा तो वह सीधा ऑन पैसिव इकोसिस्टम के रजिस्टर पेज पर चला जाएगा।
तो इस तरह से आप प्रमोशनल वीडियो लिंक को भी शेयर करके आप अपने इकोसिस्टम अकाउंट में यूजर को जोड़ सकते हैं। वहीं जब आप तीसरे नंबर के ऑप्शन अफिलिएट लिंक वाले पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अपने इकोसिस्टम का अफिलिएट लिंक दिख जाएगा और साथ ही यहां पर आपको अपने अफिलिएट लिंक का क्यूआर कोड भी दिख जाएगा जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप इस क्यूआर कोड को शेयर कर सकते हैं और जब इस क्यूआर कोड को कोई स्कैन करेगा तो वह सीधे आपके अफिलिएट लिंक के द्वारा इकोसिस्टम के रजिस्टर पेज पर चला जाएगा जहां से वह अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है और इस तरह से आप अपने इकोसिस्टम अकाउंट में यूजर की संख्या को ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।